नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका काम की बात में। और आज हम आपको बताएंगे नेहरू खानदान की संपूर्ण सच्चाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है राजकोल से और उनके बेटे ग्यासुद्दीन गाजी से। रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की किताब द स्टोरी ऑफ मदाम पंडित में गंगाधर का चित्र छपा था, जिसके अनुसार ग्यासुद्दीन गाजी असल में एक सुन्नी मुसलमान था। ग्यासुद्दीन गाजी 1857 की क्रांति से पहले मुगल साम्राज्य के समय में एक शहर के कोतवाल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों का भारत पर अच्छे से कब्जा हो गया था, तो अंग्रेजों ने मुगलों पर कत्लेआम शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मुगलों को एक एक करके सभी का सफाया करना शुरू कर दिया था। हालांकि अंग्रेजों ने हिंदुओं पर कोई हमला नहीं किया। अब इस बात से डरकर कुछ मुसलमानों ने हिंदू नाम अपना लिए, जिससे उन्हें छिपने में आसानी हो सके। ग्यासुद्दीन अपने परिवार के साथ कश्मीर से दिल्ली आ गए और ग्यासुद्दीन ने भी एक हिंदू नाम अपना लिया और अपना नाम रखा गंगाधर। और दिल्ली में जहाँ ये रहते थे वहाँ से एक नहर बहती थी, तो अपना उपनाम बना लिया नेहरू। तो इस तरह नेहरू खानदान की शुरुआत हुई। पहले गंगाधर नेहरू, फिर उनके बेटे मोतीलाल नेहरू और फिर जवाहरलाल नेहरू। एम के सिंह की पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 13वें संस्करण में विस्तार से इसका उल्लेख है। उस समय सिटी कोतवाल का दर्जा आज के पुलिस कमिश्नर की तरह एक बहुत बड़ा दर्जा हुआ करता था, और उस समय मुगल साम्राज्य में कोई भी बड़ा पद हिंदुओं को नहीं दिया जाता था। विदेशी मूल के मुस्लिम लोगों को ही ऐसे पद दिए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू की दूसरी बहन कृष्णा ने भी ये बात अपनी किताब में लिखी है कि जब बहादुर शाह जफर का राज था, तब उनका दादा यानी गियासुद्दीन सिटी कोतवाल हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में ये भी कहा है कि उन्होंने अपने दादा की एक तस्वीर देखी है, जिसमें उनके दादा ने एक मुगल ठाकुर की तरह कपड़े पहने हैं, और चित्र में दिखाई देता है कि वह लंबे समय से मोटी दाढ़ी रख रहे थे, एक मुस्लिम टोपी पहने हुए थे और उनके हाथ में दो तलवारें थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म नंबर 77 मीरगंज इलाहाबाद में हुआ था, जो कि एक वैश्याल्य था। इलाहाबाद में बहुत लंबे समय से यह इलाका वैश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसी घर का कुछ हिस्सा जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल ने लालीजान नाम की एक वैश्या को बेच दिया था। अगर आपको यकीन ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज पोर्टल का लिंक दिया है, जो इसकी पुष्टि भी करता है। बाद में मोतीलाल अपने परिवार के साथ आनंद भवन में रहने आ गए थे। एमसी भट्ट की एक पुस्तक द ग्रेट डिवाइड मुस्लिम सेपरेटिज्म एंड पार्टीशन के अनुसार जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी अपने पिता मोतीलाल नेहरू के कर्मचारी सैयद हुसैन के साथ भाग गई थी। तो मोतीलाल नेहरू जबरदस्ती उन्हें वापस ले आए और एक रंजीत पंडित नाम के व्यक्ति से शादी करवा दी। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। भारतीय सिविल सेवा के एमओ मथाई, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगभग 10 सालों तक निजी सचिव रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक रेमिनेंस ऑफ द नेहरू एज में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन, जो कि भारत के आखिरी वॉइसरॉय लुइस माउंटबेटन की पत्नी थी, उसके बीच गहरे प्रेम प्रसंग थे। ये प्रेम संबंध इंदिरा गांधी के लिए शर्मिंदगी का एक स्रोत थे। वो पहले ही अपनी माँ कमला नेहरू के देहांत से बेहद दुखी थी, जिनकी टीबी के चलते मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को समझाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की मदद भी लिया करती थी। और किताब में यह भी लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू का सरोजनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बात का खुलासा भी हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू अपने कमरे में पद्मजा नायडू की तस्वीर रखते थे, जिसे इंदिरा गांधी हटा दिया करती थी। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां से बेकार प्रदर्शन के लिए बाहर निकाल दिया गया। फिर शांति निकेतन में पढ़ते वक्त ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अनुचित व्यवहार के लिए बाहर निकाल दिया था। इन सब परेशानियों के चलते इंदिरा गांधी अकेलेपन और अवसाद का शिकार हो गई थी। और तभी उनके जीवन में आए फिरोज खान। फिरोज खान व्यापारी मुबारक अली के बेटे थे, जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब पहुंचाने का काम करते थे, जो मूल निवासी थे जूनागढ़ गुजरात के। मुबारक अली ने एक पारसी महिला से शादी की और उसे मुस्लिम बनाया। फिरोज खान इसी महिला की संतान थे। उनकी माँ का उपनाम था गांधी। गांधी नाम पारसियों में अक्सर पाया जाता था। विवाह से पहले फिरोज गांधी फिरोज खान थे, और इंदिरा गांधी की माँ कमला नेहरू इन दोनों की शादी के खिलाफ भी थी। अब पिता राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त थे और माँ मृत्यु सैया पर पड़ी हुई थी। इसी बात का फायदा फिरोज खान ने उठाया और इंदिरा को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन करवा कर लंदन की एक मस्जिद में उससे शादी रचा ली, और इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का नाम रखा गया मैमूना बेगम। जवाहरलाल नेहरू को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ही क्रुद्ध हुए, और जब ये खबर मोहनदास करमचंद गांधी को मिली तो उन्होंने नेहरू को बुलवाकर समझाया।
राजनीतिक छवि की खातिर फिरोज को मनाया कि वह अपना नाम गांधी रख ले। यह एक आसान काम था कि एक शपथ पत्र के जरिए बजाय धर्म बदलने के सिर्फ नाम बदला जाए। तो फिरोज खान गांधी बन गए फिरोज गांधी। और फिर फिरोज और इंदिरा को भारत बुलाकर जनता के सामने दिखावे के लिए एक बार पुनः वैदिक रीति से उनका विवाह करवाया गया ताकि उनके खानदान की साख बनी रहे। इस बारे में नेहरू के सेक्रेटरी एम ओ मथाई अपनी पुस्तक रेमिनेंस ऑफ नेहरू एज के पृष्ठ नंबर 94 पैराग्राफ 2 में लिखते हैं कि पता नहीं क्यों नेहरू ने सन 1942 में एक अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को वैदिक रीति रिवाजों से किए जाने की अनुमति दी, जबकि उस समय यह असंवैधानिक था और कानूनी रूप से उसे सिविल मैरिज होनी चाहिए थी। राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद ही इंदिरा और फिरोज अलग हो गए थे, लेकिन तलाक नहीं हुआ था। बताया जाता है कि फिरोज गांधी अक्सर नेहरू परिवार से पैसे मांगते हुए परेशान करते थे और नेहरू की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप तक करने लगे थे। तंग आकर नेहरू ने फिरोज के आनंद भवन में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज की मृत्यु से नेहरू और इंदिरा को बड़ी राहत मिली थी। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु भी रहस्यमय हालात में हुई थी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के बारे में। दरअसल संजय गांधी का असली नाम संजीव गांधी था, अपने बड़े भाई राजीव गांधी से मिलता जुलता। लेकिन संजय नाम रखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उन्हें लंदन पुलिस ने इंग्लैंड में कार चोरी का आरोप में पकड़ा था और पासपोर्ट जब्त कर लिया था। ब्रिटेन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त किशन मेनन ने तब मदद करके संजीव गांधी का नाम बदलकर नया पासपोर्ट संजय गांधी के नाम से बनवाया था। इन्हीं किशन मेनन साहब को भ्रष्टाचार के एक मामले में नेहरू और इंदिरा ने बचाया था। अब संजय गांधी का विवाह एक सिख लड़की मेनका आनंद से हुआ था। कहा जाता है कि संजय गांधी की रंगरेलियों की वजह से मेनका के पिता कर्नल आनंद ने संजय को जान से मारने की धमकी भी दी थी और फिर कहीं जाकर उन दोनों की शादी हुई। मेनका कोई साधारण लड़की नहीं थी क्योंकि उस जमाने में उन्होंने बॉम्बे डाइंग के लिए एक तौलिए का विज्ञापन किया था। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि संजय गांधी अपनी माँ को ब्लैकमेल करते थे और जिसके कारण उनके सभी बुरे कामों पर इंदिरा ने हमेशा पर्दा डाला और उसे अपनी मनमानी करने की छूट दी। संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई और प्लेन दुर्घटना भी पूर्ण रूप से रहस्यमय थी। संजय गांधी का प्लेन गोता लगाते हुए बिना किसी चीज से टकराए क्रैश हो गया। ऐसा सिर्फ उस स्थिति में होता है जब विमान में ईंधन खत्म हो जाए, लेकिन उस समय की उड़ान का रजिस्टर बताता है कि उड़ने से पहले ही टैंक पूरा भरा गया था और बाद में इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जांच निषिद्ध करवा दी थी। अब वापस आते हैं जवाहरलाल नेहरू की तरफ। एम ओ मथाई अपनी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 206 पर लिखते हैं, 1948 में वाराणसी से एक सन्यासिन दिल्ली आई जिसका काल्पनिक नाम श्रद्धा माता था। वह संस्कृत की विद्वान थी और कई सांसद उसके व्याख्यान सुनने को बेताब रहते थे। वह भारतीय पुरातन लेखों और सनातन संस्कृत की अच्छी जानकार थी। अब हम नेहरू खानदान के बारे में आगे जानेंगे दूसरी वीडियो में। दूसरा वीडियो ये रहा आपके सामने, इस पर क्लिक करें और दूसरा भाग देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।